अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है, जो कि है खिचड़ा। ये मुंबई का बहुत ही फेमस रेसिपी है, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। बहुत अच्छा बनता है। इसमें बनाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, पर ये बहुत टेस्टी बनता है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा हमारे स्टाइल में कैसे बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स पे देख लेते हैं। हमने इधर तीन दाल लिया है, जैसे कि मूंग दाल, मसूर दाल और चना दाल। भिगोने के लिए रख दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्चियाँ, लुबिया, दलिया। हमने इसे 2 से 3 घंटों के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो। अब हम हमारे मसाले ले लेंगे, कश्मीरी चिल्ली पाउडर, हल्दी, शान मसाला, गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है। सारे मसाले ले लेंगे, टमाटर, अनियंस, अनियंस को अच्छे से बारीक चॉप कर लेंगे, खड़े मसाले, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, मटन, 500 ग्राम्स मटन है हमारे, गार्निशिंग के लिए धनिया पुदीना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ऑयल ऐड किया है, ऑयल के बाद हमने सारे खड़े मसाले, फिर अनियंस को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे, फिर उसके बाद हमने चॉप किया हुआ जो धनिया पुदीना है उसे भी ऐड कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अच्छे से इसे भून लेंगे। हम इसे जितना अच्छा भुनेंगे उतना अच्छा हमारे मसाले में फ्लेवर आएगा। अब हम ऐड कर लेंगे टमाटर, अब हम हमारे सारे मसाले ऐड कर लेंगे। आप लोग रेड चिल्ली पाउडर आपके हिसाब से डालिएगा, आपको जितना तीखा पसंद हो उतना डालिए। देखिए हमने सारे मसालों को अच्छे से भून लिया है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें हमारे गले हुए गोश्त ऐड कर लेंगे, सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट। अब हम हमारे जो दाल भिगो के रखा था हमने उसे भी गला लिया है, हमने उसे भी ऐड कर लेंगे अभी। दलिया, ये सारी चीज़ें ऐड होना हो जाने के बाद आप चेक कर लीजिएगा कि नमक अगर कम हो तो आप ऐड कर सकते हो। बहुत हेल्दी रेसिपी है गाइस, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, मटन खिचड़ा। अब इसे स्टर करते रहना है, हाथ रोकना नहीं है, क्योंकि अगर ये नीचे जल जाएगा तो इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब हम इसमें तड़का दे देंगे, घी में हमने सूखी लाल मिर्ची को डालकर इसमें तड़का दे दिया है। अब हम गार्निश कर लेंगे बिरिस्ता एंड धनिया पुदीना से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।